हस्पताल के बैडां ते जख्मी हालत च पए ये लोग जलालाबाद के पिंड टिवाणा के वासी ने जिन्हां कोलों पुलिस ने छापेमारी करके नजायज शराब फड़ी सी। जिस मगरों नजायज़ शराब का धंधा करन वालियां एको पिंड दियां दो धिरां च टकराव हो गया ते दोवें धिरां ने एक दूजे ते जम के इट्टां पत्थर चलाए जिस दे बाद एक दूजे के घरां दी भन्नतोड़ भी की। हुण जख्मी हालत च इलाज करवा रहे दोवें धिरां दे व्यक्ति एक दूजे ते इल्जाम लगा रहे ने। किस गल में लैके लड़ाई हुई है? अच्छा ठेके लाए थे। अच्छा जी, तो उन्हें मेरा ना पात तो पढ़ाए थे। कि घर आए थे? तो गरमीत के। अच्छा जी, कि कोई शराब वगैरह का काम करते हैं या की काम करते हैं? शराब बेचते हैं। अच्छा, कि कल शराब फड़ेगी से उसकी रंजिश? हाँ जी, बोतल फड़ी, वो फड़ी थी। अच्छा, तो किन्ने बजे का टाइम सीगा तो किन्ने बंदे ने तुम्हें सट्टा मारी? हाँ जी, किन्ने बजे का टाइम सीगा तो किन्ने बंदे ने तुम्हें सट्टा मारिया ने? ना गरमीत करती ने तो दूजे ने रकम लिया ने। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਸ ਕੰਮ ਤੋਂ ਆਏ ਆਪਦਾ ਨਾਤੇ ਨੁਤੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਕਿੰਨਾ ਦੀ ਲੜਾਈ? ਰਜਿੰਦਰ ਰਾਣਾ ਦੀ। ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਦੇ ਹੋਏ ਸਮਾਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੰਨਾ ਨੇ ਅਤੇ ਇਵੇਂ ਆਪਦੀ ਬੁੜੀ ਨੂੰ ਕਰੇ ਇੱਟ ਮਾਰ ਰਹੇ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਰੇ ਜਾਗ ਵੱਜੀ ਬੁੱਢੇ ਚਾਚੇ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਰ ਬੋਲੇ ਨੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਵੇਂ ਇੱਟ ਉੱਡ ਚੱਲ ਪਈ ਨੇ ਅਤੇ ਇਵੇਂ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰੇ ਹੀ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਹ ਗੋਡੇ 'ਤੇ ਚੜ ਗਏ ਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਇੱਟਾਂ ਮਾਰੀ ਨੇ ਅਤੇ ਇੱਟ ਮੇਰੇ ਵੱਜੀ ਆ ਕੇ ਸਿਰ 'ਚ। ਇਕੱਲਾ ਸੀਗਾ ਹੋਰ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀ? ਇਹੀ ਹੈਗੇ ਸੀ ਵਾਧੂ ਇਹਨੇ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਬੁੜੀ ਵੀ ਗਈ ਸੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੀ ਚਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਚੜ ਗਏ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਵੀ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਟਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ? ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਰ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਸਮਾਨ ਸਮੂਨ ਆਪਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗਏ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਆਪਦੀ ਬਣ ਗਈ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਲੈਂਦਾ ਇੱਧਰ ਇੱਧਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਆਪ ਇਹਨਾਂ ਤੋੜਿਆ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ? ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਹੁਣ ਮੰਗ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮੰਗ ਵੀ ਜੋ ਹੋਇਆ ਵੇਖੀਏ ਸਾਡੀ ਸੁਣਾਈ ਹੋਵੇ ਬਸ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਮਝੋਗੇ। उधर इस मामले की जांच कर रहे पुलिस अधिकारी ने दसिया कि दोवें धिरां दे बयान दर्ज करन मगरों मामले की जांच की जा रही है। जी सर, एक रात टिवाणा कला दो धिरां दे पिड़ियां ने जी, वो की कार्रवाई की गई है जी? बस कार्रवाई तो पुलिस बयान लिख रहे जी, असी जो डॉक्टर साहब की रिपोर्ट आएगा डॉक्टर नतीजे से अगली कार्रवाई की जाएगी। बाकी पता लगे जी कल इन्हां दे कोई पिंड शराब का एक्सैजरेट होया सी कल शाम नूं जी, वो तो जो चले गए वापस तो इन्ह जे गुआढ़ी कोई गुरमीत सिंह नाँ का पुत्र करनैल सिंह रिंदा है वो इन्हों शक करता भी तुम्हें सानू फड़ाया है जिस कारण इनका तकरार होया। सर ये दो तीन पीढ़ियां ने जी, कौन कौन जख्मी हुए हैं जी इन्होंने? एक पास तो यही होया जी, दूजे पास गुरमीत का कोई गैर नज़दीकी कोई रिश्तेदार है कि भाईचारे का जी, तो दूजे पास वो है जी, दो ही है। सर मामला की मतलब शराब की रंजिश फड़ाने का जी इन्हों? हाँ जी हाँ जी बिल्कुल जी, आपसी से यही इतराज कहते हैं शराब तुम साड़ी फड़ाते साड़ी पुलिस तुम्हें पाते थे जी सही करते। सर कोई भन्न तोड़ भी हुई है कदम घर जी? हाँ भन्न तोड़ इन्हों की हुई थी जो कहता भी मेरे ना दो रोड़े मारे, एक घरवाली ने इट का रोड़ा मारा, एक ने गुरमीत सिंह ने मारिया तो मेरे जो वजह मैं भज गया तो गेट वाले गेट ला लिया चंद्र वाले तो उन्होंने इटा रोड़े कदे साढ़े मारने शुरू करते। सर असी मौका देखा जी दोवें दिनों घर जी भन्न तोड़ भन्न तोड़ हुई भी। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल जी, ये वो जाते जिंद शीशे भी टुटे हैं, बुआ भी टुटा एक वाश में टुटा पाया वेख्या दूजी तिर भी सर दूजी करता भी वाश में टुटा पाया जी, उन्होंने समान इटा रोड़े काफ़ी चले उन्होंने टुट पड़ना। सर हम अगे की कार्रवाई की जा रही है? हाँ हम अगे अं अपना बयान इन्हें लिख रहे हैं जी, हाँ जो बयान च लिखाएंगे बयान के बाद जो बनती कार्रवाई अमल च रहती है जी। इस मामले नूं देखते हुए कहा जा सकता है कि नजायज़ शराब का धंधा करन वालियां ते नकेल कसम का वादा जो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने किया सी गुटका साहिब की खाधी सौं वांग वह भी झूठा निकलिया। हुण इह तां पुलिस जांच के बाद ही पता चलेगा कि कसूर किहड़ी धिर दा है ते पुलिस उन्हां ते की कार्रवाई करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जनहितैषी न्यूज़।